वेलकम बैक टू गुप्ता ब्रदर्स। और आज हम लोग घूमेंगे उज्जैन। उज्जैन का कॉरिडोर आपको घुमाएंगे, यहाँ का जो लोकल स्ट्रीट फूड है वो आपको दिखाएंगे, और यहाँ की कुछ खास चीज़ें घुमाने वाली जो लोकल साइट सीइंग होती हैं वो सब आपको घुमाएंगे। इस वीडियो में 3 एपिसोड होंगे। एपिसोड 1 होगा आपका कानपुर टू उज्जैन, आप बाई ट्रेन कैसे पहुँच सकते हैं क्योंकि मैं कानपुर से आया हूँ। दूसरा एपिसोड पूरा उज्जैन के ऊपर होगा, और जो तीसरा एपिसोड आएगा वो इंदौर से रिलेटेड होगा, और शायद इसका 4th एपिसोड भी बन सकता है क्योंकि इंदौर के हम लोग लोकल साइट सीइंग करेंगे। हमने जब तक भैया लोग गए हैं रूम लेने, तब तक हम लोग पीते हैं, हो गया रूम, तब तक हम लोग पीते हैं चाय। आप लोग चाय कहाँ हैं? बन रही, तब तक हम लोग पीते हैं चाय और फिर आपको रूम दिखाते हैं और रूम के प्राइसेस बताते हैं कि क्या प्राइसेस है। गाइस, हमने यहाँ पे उज्जैन में आके रूम ले लिया है, और मंदिर से लगभग थोड़ा पास में ही है, थोड़ा सा दूर होगा, इतना भी दूर नहीं, पास में मंदिर बगल में ही है। होटल का नाम होटल राम देवी करके, और आपको चलो यहाँ का रूम दिखाते हैं कैसा है। एक तो रूम हमारा ये है, और एक रूम हमने लिया है ये वाला, और ये लोग क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा। इसमें एक अटैच वॉशरूम है, एसी भी है, एसी की जरूरत नहीं पड़नी है क्योंकि ठंडी का टाइम है, दिसंबर लास्ट आने वाला है। और रूम मतलब छोटा है, लेकिन आपको ये है कि रूम में बैठना तो है नहीं, आपको तैयार होना, रेडी होना है और सामान रखना है, बस फिर घूमने चलना है। इसलिए रूम हमने ऐसे लिया कि मैं सामान रखने के लिए एक हमारा हो जाए। हमारे साथ आप घूमिए उज्जैन की गलियों का सफर। हम आ चुके हैं उज्जैन में, और यहाँ का फेमस पोहा और चाय। पोहा जो है वो आपका बहुत सही प्राइस है, 15 रुपये में पोहा मिल रहा है, और चाय कितने की है? 15 रुपये की चाय। चाय 15 रुपये की है। अब इसको खाते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं यहाँ का। और आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ आ रहे हो, आपको होटल वगैरह यहाँ पे लाइन से बने हैं, मेन रोड में है, आपको अवेलेबल हो जाएगी अच्छे अच्छे रेट में। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं तो पार्किंग यहाँ पे अवेलेबल है। ये आपकी जो पार्किंग है, ये कॉरिडोर की पार्किंग है, आप गाड़ी यहाँ लगा सकते हैं, यहीं लगाना ही पड़ेगा, लगा के सकते हैं क्योंकि इसके आगे बैरियर थे, आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। इनकेस आपकी टैक्सी है तो आपको आगे तक छोड़ आएगी, लेकिन अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं और आपको कॉरिडोर में पार्किंग लगानी हो, आप इसके अंदर लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको रूम से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है क्योंकि रूम सारे बहुत हैं और हर रीजनेबल रेट्स में भी हैं। आपके जो बजट है, हर बजट के हिसाब से आपको रूम से यहाँ पे मिल जाएंगे, और हर एपिसोड में मज़ा आने वाला है, आपको इसका गारंटी दे रहा हूँ। का एपिसोड 1 जो कि कानपुर से उज्जैन आप बाई ट्रेन कैसे आ सकते हैं वो मैंने अपलोड कर दिया होगा। इस समय हम खड़े हैं भारत माता मंदिर के बाहर, जो कि है भक्त निवास के पास ही है, और ये है आपका सामने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के रास्ते में ही पड़ता है, मतलब कि उज्जैन का जो कॉरिडोर है उसी के रास्ते में भारत माता का मंदिर है, और ये बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल, अगर आप चेक करो कितना प्यारा लग रहा है। और यहीं पे है भक्त निवास, जहाँ पे आप रूम वगैरह का चाहें तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बुकिंग होती है, ऑन द स्पॉट भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन 1200 का था ना, यहाँ पे 1200 का आपको एक छोटा सा रूम मिल रहा है, इसलिए अच्छा होगा कि आप पहले से बुकिंग करा के आएँ तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा कर देगा। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं। भाई ये हम लोग मंदिर के पास वाली मार्केट में एंटर हो गए हैं, जहाँ पे मतलब कि आप लोगों को भगवान जैसे कि माँ कालेश्वर जी मिलते हैं, वहाँ पे फूल वगैरह लेने होते हैं, यहाँ पे शॉप बनी है, आप जो भी लेना हो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सब आराम से। कितने का है? 5 रुपये का। चलो थोड़े में आते सबको ले के फिर लेते हैं, अभी मंदिर नहीं जा रहे भाई, अभी मंदिर नहीं जा रहे। ये हमारे सामने मेन मंदिर है, जब आप कॉरिडोर से होते हुए जाएंगे तो घूम के आप वहीं मर जाएंगे। अभी हमारे साथ 4 लोग और हैं, वो नहीं है, वरना अभी हम लोग चलते हैं अंदर,
लेकिन थोड़ी देर में आपको अंदर का भी दिखाएंगे पूरा। हम लोग ऐसे घूमने आए थे, एक्सप्लोर करने आए थे मार्केट। आप सफाई का बहुत खास ध्यान रखा गया है, गंदगी आपको यहाँ पे एक जगह नहीं दिखेगी। आप देख सकते थे हमें एक जगह कुछ गंदगी नहीं है। घुमाओगे इस शहर के बाहर के, इसके बाद में आपको घुमाओगे ना? नहीं, ये आपको पैदल ही करना रहेगा। इसके बाद आप जहाँ बोलेंगे इस मंदिर पे हम ड्रॉप कर देंगे आपको। इस शहर के अंदर 20-20 कदम पे आप मंदिर मिलेंगे। इसमें गाइड करके हमारा था 26 किलोमीटर का रनिंग रहता है। जब भोजन नाश्ता आप लोग करते हैं कहीं, वो आपके हिसाब से चलते हैं। आप बोलेंगे भैया हमें नाश्ता करना है, भोजन करना है, वहाँ गाड़ी रुकेगी आपके लिए। भैया बहुत चलाक हैं, भैया ने उस लिस्ट में देखा कि कौन कौन सी जगह यहाँ घूमने वाली है और की फोटो ले ली। अब ये कह रहे हैं कि मतलब कि वही जगह घूमेंगे हम लोग। अरे कुल मिला के अपने अकॉर्डिंग घूमो, इतना कुछ टिपिकल नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरा आपको बता दूंगा कैसे यह करना है, वो पूरा आपको बता दूंगा। वीडियो में जुड़े रहो। रेडी? हाँ रेडी। अब हम लोग जा रहे हैं उज्जैन मंदिर और उज्जैन का कॉरिडोर घूमने और उज्जैन मंदिर में बाबा महाकालेश्वर जी के दर्शन करने। मैं घुमाने का बता रहे हैं और इन लोगों को मौज मस्ती चढ़ी है। आपको 100 रुपए सवारी लगेगी। अरे लेके किस में जाओगे? सीएनजी ऑटो है, सीएनजी ऑटो। करना चाहिए वो कुछ नहीं है, सब मौज मस्ती कर रहे हैं। कुछ नहीं, उसका भी काम है यार अपना, उसको भी प्रमोशन करना है, सही बात है। सबका घर चलना चाहिए भाई। नहीं नहीं दिखाओ, माइल कर दो कोई, वो थोड़ा ना हो रहा है। आए हाय महाकाल, जय महाकाल। बहुत बड़े भक्त है, इनके सामने मंत्र ना पढ़ना, उल्टा पढ़ देंगे तो। अरे वाह, लगाओ चढ़ नहीं रहा है। आया दीदी, हाथ वगैरह धो लो, इसका कोई चार्ज नहीं है। ले लो, अब हम एंट्री कर रहे हैं उज्जैन। ये कॉरिडोर जो बनारस का कॉरिडोर है उसका 4 गुना बड़ा कॉरिडोर है। और भाई एंट्री करने में एक अलग फीलिंग आ रही है, आपको भी फील कराएंगे घर बैठे बैठे। और ये देखिए, ये है कॉरिडोर। ये देखिए, ये हमारे है बगल में कॉरिडोर। ठीक है, मंदिर अंदर पहले मंदिर के अंदर चल रहे हैं दर्शन करने, फिर घुमाएंगे आपको कॉरिडोर। मोबाइल अंदर रखने को बोल रहे हैं, जहाँ तक जा पाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ तक दिखा पाऊंगा मैं आपको वहाँ तक दिखाऊंगा। पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ, अंदर दर्शन कराऊँ। मंदिर ये है क्या? भाई करा दिए फाइनली आपको भी दर्शन, फोन रेस्ट्रिक्टेड है लेकिन कोशिश करके करवा दिए। इधर साइड मंदिर है अंदर,
अभी जो आपको दर्शन कराए मैंने, और वहाँ से हम लोग आते हैं, काफ़ी लंबे चक्कर होता है चलना काफ़ी, लेकिन आपको दर्शन करा दिए, अच्छी वीडियो बनाएंगे। अब हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं वापस कॉरिडोर में, और यहाँ से हम लोग घूमते हुए वहाँ तक गए दर्शन, और मंदिर गए यहाँ से बाहर आए, अभी हम लोग दर्शन करके पूरा यहाँ तक बाहर निकलोगे, और फिर आप चाहो तो आप कॉरिडोर घूमो, और चाहो क्या कॉरिडोर तो घूमना ही घूमना है, क्योंकि इतना बढ़िया कॉरिडोर बनाया है। हम लोग घूमते हैं और आपको कुछ सिनेमेटिक शॉट दिखाते हैं उज्जैन के कॉरिडोर की। फिलहाल हम लोग मंदिर के पास की एक जगह, सबको लगी भूख जोरों की, तो हम लोग खाने यहाँ पे खाना खाने, सबको लगे बहुत तेज भूख, अब खाना खा के चलेंगे वापस अपने रूम में, और जो उज्जैन कॉरिडोर है उसको शाम को घूमेंगे, क्योंकि वहाँ पे शाम को लाइटिंग जलती है, दिया जलते हैं, बहुत प्यारा लगता है। वो ये प्लान हुआ है कि जो उज्जैन कॉरिडोर है उसको शाम को घूमने आएंगे हम लोग, और यहाँ खा पी के। भाई अब हम लोग आ चुके हैं कोई ये आश्रम है महर्षि करके, ये लगभग उज्जैन से थोड़ा दूर है, आपको इसके लिए ई रिक्शे वहाँ मिल जाएंगे, आप उसके थ्रू आएंगे, और चल के देख रहे हैं इसके अंदर आश्रम के क्या है। अब हम लोग एक दूसरी जगह आए हैं, एक मंदिर आए हैं जिसका नाम है मंगलनाथ। सामने आप देखो ये मंदिर है, और काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी ऊंचा मंदिर है। अगर आप आ रहे हो उज्जैन तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो अपनी लिस्ट में। चल रहे अंदर, अगर आप यहाँ मंदिर में आएंगे आपको लाइन आपको थोड़ी लंबी दिख सकती है, तो अगर आप दूर से दर्शन करना चाहें तो आप दूर से भी दर्शन कर सकते हैं। तो भाई अब हम आ चुके हैं, ये है काल भैरव का मंदिर, काफ़ी फेमस जगह है उज्जैन की, आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। ये जो मंदिर है यहाँ पे लोग ज़रूर आते हैं। यहाँ पे आपको वाइन की शॉप काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि भगवान को वाइन यहाँ पे चढ़ाई जाती है, और ये कहा जाता है कि वो पीते भी हैं आपके सामने, मतलब वो पिलाएंगे उनको और वो पीते हैं। अब सच्चाई क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको मोस्टली जगह वाइन की शॉप दिखेंगी, और लोग लेते हैं, मतलब मोस्टली यहाँ पे सब लोग ही लेते हैं चढ़ाने के लिए, क्योंकि भगवान को यहाँ पे यही चढ़ती है, और इसी का ही महत्व है यहाँ पे। तीन चक्कर लगा चुके हैं, एक दो, ये तीसरा चल रहा है, और अभी ना जाने कितने चक्कर बचे हैं, अभी
अभी दो से तीन चक्कर या उससे भी ज़्यादा बचे हैं चक्कर, लेकिन भाई लाइन में अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मी नहीं है। गर्मी होती है तो पसीना आता है तो बहुत दिक्कत होती है भाई। मंदिर में भाई बात तो है, बंदर भी यहाँ बहुत है, काले मुंह वाले भैरवनाथ है। क्या चीज अंकल, क्या चीज मतलब? इमली का पेड़ बंदर फल फल लगा हुआ है, इमली का पेड़। अच्छा इमली का पेड़ छोटो बुला रहा है। बोलते रहो यार, क्या बोलते रहो बे? कह रहा लड्डू के भैया बोलो। भैया बोले थे क्या तुम्हें? आपको पैक बना के दे चढ़ाने के बाद भोले बाबा का नाम ले रहे हो, मैं आपका हो रहा है कि नहीं? भंग तो बोलेगी नहीं, आपके हाथ में जो है वही बना के देगी। देना पड़ेगा ना यार। अच्छा अब भांग तो पियोगे नहीं? अंकल इनडायरेक्टली इंटेंशन क्लियर कर दिया मैंने। घर चलो पति की पकौड़ी बना। भाई अब ये जो हमारे सामने चीज़ है, इसमें पंडित जी अभी मैंने देखा था चढ़ चढ़ के जितने भी ये पॉट बने हैं उसमें तेल भर रहे हैं, और ये जो ये सब पूरे जो तेल भरने के बाद यहाँ पे रात में पूरे में दिए जलते हैं और बहुत प्यारा लगता है भाई, बहुत प्यारा। रात तक तो शायद यहाँ पे अभी नहीं रुकना है क्योंकि अभी हमें उज्जैन कॉरिडोर भी जाना है, लेकिन पंडित जी इसमें एक एक पे चढ़ 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 के इसमें तेल भरते हैं। अब रात में पता नहीं कैसा लगता होगा लेकिन भाई शानदार लगता होगा। और भाई शाम हमने आपको दिखाया था कि 4:20 हम लाइन में एंट्री कर रहे हैं और अब दर्शन करने के बाद 5:35 हो गया है, मतलब लगभग डेढ़ घंटे का टाइम आपको यहाँ पे, नहीं डेढ़ नहीं, आप दो घंटे का टाइम लेके मिनिमम आइए यहाँ पे। अगर आप काल भैरव आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको दो घंटा लगेगा, मतलब मैक्सिमम दो घंटा लगेगा क्योंकि लाइन जो होती है लाइन में आपको लगभग एक से डेढ़ घंटा लगेगा लाइन में ही। गाइस अब हम आ चुके हैं रथ हर गुफा है कोई, इसके अंदर चल रहे हैं, इसके अंदर गुफा है और देखते जब ये क्या है इसके अंदर। और भाई देखो शाम का टाइम हो गया है और वेदर भाई इतना प्यारा लग रहा है भाई, सनसेट हो रहा है, बहुत प्यारा वेदर लग रहा है भाई। चल ये
निकले तो बच्चे फोटो भी ज्यादा भीड़ है अभी ये तो तभी निकले लोग दमे आवाज दमे क्या बात है खाली करवा दिया हेड टॉप पे लूं एक जरा भाई उधर आओ आराम से चलो बाहर ज्ञान बांट रहे हो अभी नहीं खरीद का अभी क्या कर रहे हो अभी देखते हैं चलो भाई फाइनली एक शिवलिंग ऐसी हुई जिसको हमें खुद हमने छू के दर्शन करे वरना अभी तक ऐसा कोई भी शिवलिंग नहीं हुआ है जहाँ पे हम छू पाए हों क्योंकि हर जगह दूर से दर्शन हो रहे थे और ये जगह अच्छी भी लगी गुफा वगैरह जो थी काफ़ी अच्छी थी। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं उज्जैन कॉरिडोर में और उज्जैन कॉरिडोर की एंट्री आप देख लीजिए ये भक्त निवास जो है बना है इसी के बगल से भारत माता का मंदिर है और इसी के बगल से रास्ता है और भाई रात में यहाँ पे मस्त पिकनिक स्पॉट बन जाता है बढ़िया यहाँ पर आराम से बैठो घूमो। आज भाई सुबह से हमारे इतने हमने यहाँ के लोकल के जो मंदिर थे इतना घूमा कि हमें कॉरिडोर का दिन में आने का टाइम ही नहीं लग पाया हमें लेट हो गए। हमें ये प्लान था कि 5 बजे तक आ जाएंगे कॉरिडोर तो दिन का भी इंजॉयमेंट हो जाएगा और रात का भी लेकिन वो हो ही नहीं पाया क्योंकि हर जगह मंदिर में एक एक घंटा मान के चलना पड़ता है पर इस चक्कर से टाइम लग गया भाई। अब देखो भाई सामने आ रहा है कॉरिडोर। चलो भाई अब चलते हैं अंदर कॉरिडोर में। भाई बाहर से ही लेकिन गजब लग रहा है यार देखने में बंदा चल के मजा आने वाला है भाई। हाँ भाई मजा आ रहा है ना इस कॉरिडोर के टूर में। भाई शानदार बना है यार मतलब कि भाई इतना बड़ा एरिया पे ये बना है ना भाई मजेदार है भाई जो यहाँ की नक्काशियाँ हैं जो आर्किटेक्चर है भाई एक नंबर कनपुरिया भाषा में भाई एक नंबर भाई वाइब देखो आप यहाँ के लैम्प वगैरह देखो भाई इतने लोग की इतना सही वाइब दे रहे हैं ना भाई इतने जो नक्काशियां बनी आप ये देखो भाई बहुत बड़ा भाव मान लीजिए बहुत शानदार भाई बहुत शानदार। ये हमारे उज्जैन के एपिसोड व्लॉग की लास्ट लोकेशन है इसके बाद हम लोग रूम में जाएंगे और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाएगा। ओ भाई साहब एक नंबर भाई साहब बहुत शानदार है भाई ये है यहाँ की सबसे मेन चीज मतलब कि नक्काशियों में डिजाइंस में सबसे बढ़िया ये है यहाँ की ऋषि की कुछ है मतलब ऋषि यहाँ बने हैं। भाई अगर आपके कैमरे में दिख रहा हो देखो फोकस देखो फोकस ये बीच में कोई डिज़ाइन बनी है इसमें फोकस चारों तरफ से जा रहा है अगर आपको दिख रहा हो कैमरे में बहुत शानदार भाई बहुत शानदार। फोकस देखो फोकस सीधे जा रहा है इसमें बीच में आओ मैं
भाई एक बहुत शानदार एक चीज दिखाते हैं जो मतलब कि इस पूरे कॉरिडोर का अट्रैक्शन है वो भाई ये देखो सामने मेरे। वाओ भाई ब्यूटीफुल मतलब इतनी क्लीन नक्काशी है भाई मतलब बिल्कुल देखो भाई शानदार। हाँ भाई कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ भाई कैसी लगी। एक भाई भी क्या बता रहे ये दत्तात्रेय भगवान लचला रहे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। अच्छा ये उसकी पूरा थीम। ओके शानदार है लेकिन भाई भाई यहाँ पे क्या है कि ये जो ये कॉरिडोर में एक जगह है वहाँ पे क्या होगा जो भस्म आरती होती है जो मंदिर के अंदर होती है वो आपको यहाँ पे वीआर में दिखा रहे हैं 9 मिनट की। उसी के चार्जेस वगैरह कुछ हैं 4+1 बोलने में 4 आप सेट लोगे तो 1 फ्री हो जाएगा। देखते हैं क्या सीन है ये देखो तो भाई जो यहाँ पे वीआर का शो है वो हम सब लोग देख रहे हैं। वीआर के चार्जेस जो है वो है 150 रुपए पर एक वीआर का और 150 में मतलब चार में एक फ्री ना तो हम लोग मतलब 5 के पे करेंगे और एक फ्री है मतलब 4+1 की डील चलती है यहाँ पे। और भाई देखेंगे फिर बताएंगे एक्सपीरियंस आपको कि ये वर्थ है कि नहीं है। लेकिन भाई यही है कि आ रहे हो तो भाई ट्राई करना बनता है यार क्योंकि आज भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो अच्छा सही बात है अच्छा होगा तभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं अगर नहीं देख रहे हैं तो आप यहाँ कहाँ बैठे हैं स्पेशल चेयर चाहिए हमें 6 हैं एक अम्मी है लाओ भाई ये भाई हमारा टिकट। अब भाई लगाते हैं वीआर और फोन को रखते हैं अंदर और देखने के बाद बताएंगे आपको कैसा एक्सपीरियंस है इसका। आपको वीआर शो देखना हो भैया हमारे यहाँ मिलेंगे। भैया आपका नाम क्या है? पुष्कर भैया मिलेंगे आप इनसे बात कर सकते हैं। भाई हमने वीआर शो देखा और एक बात बोलेंगे कि यार अगर आप आ रहे हो भाई देख लो भाई वर्थ है। अगर आप उज्जैन की वो भस्म आरती नहीं देख पा रहे हो इसको देख लो भाई पूरी भस्म आरती उसने दिखाई है जैसे क्वालिटी थी वीआर की भाई बेस्ट थी बिल्कुल क्लीन दिख रहा था भाई। साउंड लगाने के बाद जो बाहर का साउंड है वो पूरा गायब हो गया था क्योंकि JBL के स्पीकर थे बिल्कुल अच्छे वाले बहुत अच्छी थी भाई। उसने पूरा भस्म आरती दिखाया है पूरा श्रृंगार दिखाया है सब दिखाया है भाई बहुत बढ़िया था वो भी 360 डिग्री था पूरा कि आप जैसे एंगल मूव करोगे वैसे पूरा एंगल दिखेगा वर्थ था। तो भाई अब इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं कॉरिडोर के बाहर और सबको लगी है भूख। समय टाइम हो गया 9:30 और भाई अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब बाहर जाके कुछ खाते हैं क्योंकि सब देना चाहेंगे अगर 150 का बजट है तो बहुत अच्छा देखने। अब 150 का बजट यार आप आ रहे हो घूमने तब होगा ही यार ऑब्वियसली बात है। ऑफर भी है 5+1 हाँ ऑफर भी है 4+1 5+1 नहीं 4+1 5+1 या 4+1 हाँ वो तो आपके ऊपर वो कैसा डील कर सकते हैं। ब्लॉग एंड करने से पहले आपको दिखाते हैं वहाँ कालेश्वर बाबा की आरती। हम लोग मंदिर आ गए और रात से 10:15 बजे और ये लास्ट आरती हो रही है आपको दिखाते हैं आरती।